child is also not able to hold the pencil and not able to do the regular day-to-day work? That's because of lack of fine motor skills. Hello everyone and welcome to our channel Srishti and Bhavya. Today we are going to talk about the fine motor skills. Fine motor skills is that which involves use of small muscles that controls the hand, fingers, thumb and our shoulders. Yes, fine motor skills ये बहुत ही बच्चों के लिए important है क्योंकि fine motor skills के through ही बच्चे अपने आप खाना खा सकते हैं, कपड़े अपने आप पहन सकते हैं, writing कर सकते हैं, drawing कर सकते हैं, जो भी regular इनकी day to day activities होती है, जो भी उनके day to day काम होते हैं, वो fine motor skills के through ही हो सकते हैं. So it's very important to develop the fine motor skill of a child. If you are planning to teach your child how to write, तो उसके पहले आपको उनके fine motor skills को develop करना ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप बच्चों को direct pencil दे दोगे और बोलोगे let's start writing, so he is not going to write it. Until and unless the child does not know how to hold the pencil, he is not able to write it. So, how you will develop this fine motor skill of the child? In today's video, I'll be showing you some of the activities which will help your child to develop their fine motor skills. So, let's start the video. इसमें आपको करना है कि आपको बच्चों को पेपर्स देने हैं, कलरफुल पेपर, क्राफ्ट पेपर दीजिए और उनके पास से पेपर टेयरिंग करवाइए. पेपर टेयरिंग कुछ नहीं, उनको बस फाड़ना है. इनिशियली तो वो बड़े बड़े पीसेस में कट करेंगे, फिर ग्रेजुअली वो लोग छोटे छोटे पीसेस में फाड़ना सीखेंगे. उसको क्या करना है कि पेपर टेयरिंग करवा के उनके छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं और वो छोटे छोटे बॉल्स उनको पेपर पे या फिर एक ड्राइंग पे, आप कुछ भी आप ड्रॉ कर लीजिए ऑब्जेक्ट और उस पर स्टिक कराना. इससे क्या होता है कि बच्चों की आइज़ और हैंड्स की कोऑर्डिनेशन बढ़ती है और उनके फिंगर मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि उनके फिंगर मसल स्ट्रांग होते हैं. या फिर आप डायरेक्टली पेपर टेयरिंग करवा के डायरेक्टली आप उनको स्टिक करवा सकते हो. फैन फोल्ड सिखाना. फैन फोल्ड ये वाला क्राफ्ट, इस एक्टिविटी में क्या होता है कि बच्चों की फिंगर्स मूवमेंट आप देखते हो कि कितनी मूव हो रही है. इसमें क्या है कि बच्चों को क्राफ्ट में इंटरेस्ट भी आता है और उनकी फिंगर मसल स्ट्रांग होती है. पेपर फोल्ड कराना. बाउल के अंदर आपको मतलब आप उसमें पेबल्स रख सकते हो. मैंने यहाँ पर बटन्स लिए. आप उसमें स्पून जो भी है उसमें एक बॉल से दूसरे बॉल में आपको ट्रांसफ़र करना है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, ये आप कोई भी एक ट्रेड ले लो और उसमें रबर बैंड आप डाल सकते हो. अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है तो आप बीट्स मोती जो होती है उससे भी आप कर सकते हो. आई एम मोर कम्फर्टेबल विद दिस हेयर बैंड, क्योंकि मोती से डर रहता है कि बच्चे मुंह में इजीली वो डाल सकते हैं. मोती से कराते हो तो आप उनके पास बैठ के ये एक्टिविटी करा सकते हो. नेक्स्ट है, अगर आपको धागा नहीं है तो आप इस तरह स्टैंड में भी आप एक वन बाय वन एक के ऊपर एक आप स्टैक कर सकते हो. या पर अगर नहीं है तो आप सिंपल एक लकड़ी में भी आप ये सब रबर बैंड आप एक के पीछे एक ऐसे डाल सकते हो. इससे क्या है कि फिंगर मूवमेंट होती है. नेक्स्ट जो एक्टिविटी आप करा सकते हो ये है ईयर बर्ड पेंटिंग. इसमें क्या होता है कि आप कलर ले लो और ड्राइंग बुक जो होती है बेसिक, उसमें ईयर बर्ड के थ्रू हमें उसे डॉट्स कराने हैं. और नेक्स्ट है, आप उसी तरह सेम कलर्स लेकर आप फिंगर प्रिंटिंग करा सकते हो. फिंगर यानी कि आपको उसमें डिप करना है कलर्स में और वन बाय वन पूरे पिक्चर को आपको फिंगर प्रिंटिंग करना है. नेक्स्ट जो है, आप कलरिंग भी करा सकते हो. कलरिंग में आप क्रेयॉन्स के थ्रू करा सकते हो और आप क्रेयॉन्स के लिए हमेशा इनिशियल स्टेज में आप बच्चों के पास से सिर्फ जंबो कलर्स आप यूज़ कर सकते हो. स्क्रिबलिंग करा सकते हो. चॉक आपको ग्रिप कैसे करना है, कैसे पकड़ना है वो सिखाने के लिए आप इनिशियली तो आप स्लेट यूज़ कीजिए और उनको चॉक दीजिए. इससे आप उनको स्क्रिबल करवाइए या फिर उनके पास से ड्राइंग कराइए. सो स्लेट्स आर द बेस्ट एट द इनिशियल स्टेज. इससे उनके हैंड्स के मसल स्ट्रांग हो गए और इससे वो आराम से ईजिली लिख सकते हैं. नेक्स्ट आप ले सकते हो इस तरह के पजल्स, ये या फिर ब्लॉक गेम जो रहते हैं. इस तरह से क्या है कि बच्चे आराम से पजल्स खेलते हैं तो उनके फिंगर मूवमेंट होते हैं, प्लस उनकी ब्रेन की भी डेवलपमेंट होती है. पानी में खेलना बच्चों को बड़ा पसंद आता है. उसमें बच्चे ट्रांसफ़र करते हैं एक चीज़ से दूसरे
चीज में बच्चे के फिंगर मूवमेंट होती है, तो एक क्ले मॉडलिंग बच्चों को बड़ा पसंद आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि बच्चे की क्रिएटिविटी तो बढ़ती है, साथ में उनके आईज और हैंड्स की कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होती है। घर में बैठ के आप उनके कॉर्न या फिर आप ग्रीन पीस मटर आप उनको छीनने दे सकते हो। इफ यू फाइंड अ वीडियो हेल्पफुल प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सृष्टि एंड भव्य एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज। थैंक यू।